Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson A Month to Remember. John Smith and David Jones were friends and neighbors until last June. Although dissimilar in many ways, they were united by their devotion to their gardens. John Smith was a red-faced, heavily built man just over 60 years old. He walked with the deliberate pace of a man who knows his own mind and will not be hurried. Each evening, he inspected every nook and cranny in his garden carefully, dragging the snails out of for systematic destruction. John Smith और David दोनों best friends थे. वो they were best friend until last June, जबकि उनमें कई तरीके से वो डिसिमिलर भी थे, समानताएं उनमें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से अपने गार्डन के लिए डिवोटेड थे उसकी वजह से दोनों वो फ्रेंड्स बन गए थे. जॉन स्मिथ रेड फेस के थे और 60 इयर्स ओल्ड थे और डेलिब्रेट पेस के साथ जो है वो वॉक करते थे. उनको पता होता था कि उनको क्या करना है और उनको जल्दबाजी नहीं करनी है. ईच इवनिंग वो अपने गार्डन को इंस्पेक्ट करने के लिए जाते थे और केयरफुली वहाँ से जो स्नेल्स होते थे, जो स्नेल्स क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको वहाँ से वो निकाल देते थे. हिज नेबर एंड गुड फ्रेंड डेविड जोन वॉज अ स्मॉल एंड वायरी मैन. वायरी मैन, वायरी मीन्स जो दुबले पतले होते हैं. अ रिटायर्ड माइनर विथ पैशनेट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ही रिगार्डेड all insects as his sworn enemies and fought a bitter battle with them throughout the year. His dark face glowed with pleasure as he leaned on his fence and told his friend how he had fought off an invasion of black fly on his broad beans. He spoke with the fervor of a man who believed in the justice of his own cause. Jo David Jones the wo small aur थिन थे, उनकी बॉडी बिल्कुल लीन एंड थिन थी, पतले थे, और वो रिटायर्ड माइनर थे जिनको जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग उनकी पैशनेट थी. ही रिगार्डेड ऑल इंसेक्ट्स एज हिज स्वॉन एनिमीज. अपने जो जितने भी उनके इंसेक्ट्स थे उनको वो एनिमीज की तरह से देखते थे और उनके साथ फाइट करते थे. थ्रू आउट द ईयर उन्होंने उनके साथ फाइटिंग करी, उनको किस तरीके से हटाना है, कैसे अपने अपने ग्राउंड को सेफ रखना है, ये सब वो करते थे. उनका जो डार्क फेस था तब वो उसमें बड़ी खुशी नज़र आती थी जब वो अपनी दीवार में लीन करके अपने फ्रेंड को बताते थे कि उन्होंने किस तरीके से जो है ब्लैक फ्लाई के इन्वेजन को रोका है. ही स्पोक विथ फर्वर ऑफ अ मैन हु बिलीव्ड इन द जस्टिस ऑफ हिज ओन कॉज. ऑल वेंट वेल अंटिल अर्ली इन जून. Each evening, the two men met to discuss progress in their gardens and to help each other with a few well-aimed points of criticism. अब वो दोनों आपस में best friend थे, तो आपस में मिलते भी थे, मिल करके discuss भी करते थे, साथ में जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसको criticize भी करते थे, ये सब वो मिलके आपस में करते थे. That's a nice bed of roses you have got there, Di, John Smith would say. It's a pity they have got black spot and green fly on them. They don't look well spaced out. By my way of thinking, looks like you have been overwatering them too. Otherwise, they are as good as any I have seen round there. अब उन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हारे roses हैं वहाँ पे वो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं और शायद तुम इनके ऊपर ज़्यादा पानी डाल देते हो इसलिए उसमें क्या हो गया, ब्लैक स्पॉट आ गया है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता. इंडीड, डेविड वुड रिप्लाई अ लिटिल शार्पली, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एडवाइस एंड व्हाट हैज़ हैपन टू योर कुकम्बर, मे आई आस्क, लुक्स एज इफ द स्नेल हैव बीन एट देम अगेन मैन, इफ आई वर यू आई वुड डू समथिंग अबाउट दोज स्नेल्स. अब जब उनके जो क्यूकम्बर की खेती थी उसके बारे में उन्होंने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि स्नेल्स की वजह से जो है वो खराब हो रही है. एंड सो द फ्रेंडशिप ब्लॉजम्ड फ्रॉम डे टू डे अंटिल लास्ट जून. लास्ट जून तक उनकी जो दोस्ती थी वो आपस में खूब फ्लरिश हो रही थी, खूब खिल रही थी. द ट्रबल
started when the chairman of the village council offered a prize of 20 pounds for the best garden. It occurred to him that this would kill two birds with one stone. It would help to make the village more attractive, of course, but it would also increase business at the general store which he owned. अब जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी. परेशानी कहाँ पर भी, जब चेयरमैन ने, जो वहाँ के विलेज काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने 20 पाउंड का जो प्राइस था वो ऑफर किया बेस्ट गार्डन के लिए. अब उसको इसमें क्या फ़ायदा हुआ, उसको ये लगा कि वो एक स्टोन से दो बर्ड का शिकार कर लेगा. इन विच द सेल्स ऑफ गार्डनिंग टूल्स, फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स हैड बीन अनरीजनेबली स्लो. इट विल ब्रिंग देम फ्लॉकिंग हियर, ही टोल्ड हिज वाइफ इन अ बस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. यू विल सी, दे वुड स्लिट देयर मदर्स थ्रोट्स फॉर 20 पाउंड्स. यू वॉच देम, they will be falling over each other to get at the money. I will make 5 times that in profit. Besides, I have got my position to think of. After all, I am chairman of the council. The people look to me for a lead, civic spirit, you know. Ab chairman ne apni wife se kya bola ki dekhna, main un dono ko aapas mein 20 pounds ke liye aise bhidwa dunga ki wo ek dusre ka gala kaat denge. आफ्टर ऑल मैं कौन हूँ, मैं चेयरमैन हूँ और लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं. यस डियर, शी रिप्लाइड, आई क्वाइट अंडरस्टैंड. आई एक्सपेक्ट जॉन स्मिथ और डाई जोन्स विल विन. देयर गार्डन्स आर अबाउट द बेस्ट इन द विलेज. अब उन्होंने क्या कहा कि हाँ, उनकी वाइफ ने भी क्या कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, मैं समझती हूँ इस बात को कि उनके गार्डन बेस्ट गार्डन है विलेज के और वो जीतेंगे. The chairman appeared to think about that for a moment. He mused. We shall see about that when the time comes. अब जब समय आएगा तब पता चलेगा इसके बारे में. The first clash between the two neighbors was quite accidental and caused by an unfortunate coincidence. It was nearly 10 o'clock one night when David Jones suddenly dropped the book he was reading. अब जो उनका पहला जो द्वंद आपस में हो रहा था वो क्वाइट एक्सीडेंटल था. ये तब हुआ जब रात के 10 बजे वो बुक पढ़ रहा था डेविड, और अचानक उसने बुक को छोड़ दिया. जस्ट गोइंग आउट फॉर अ मिनट, ही अनाउंस्ड टू हिज सरप्राइज्ड वाइफ, आई कैन हेयर मंचिंग आउटसाइड, रेकन देयर इज अ काउ इन द गार्डन, शांट बी लॉन्ग. अब क्या था, उसको डाउट क्या हुआ कि वहां पे शायद कोई गाय है. फाइंडिंग नथिंग इन हिज गार्डन, he went to the road and peered along it. The noise seemed to be coming from the neighbor's garden, so he walked to entrance and looked in. jab usne dekha wahan se deewar se to usko wahan kuch nazar nahi aaya, lekin jo shor tha wo uske neighbor ke garden se aa raha tha. the gate was open and he could just see a cow making a light snack of his friend's dahlias. even as he wondered what action to take, the solid figure of John Smith marched out with a stick, saw the cow and charged at it with a bellow of rage. Fearing the outcome, David returned quietly to his own house, said nothing to his wife and went on with his reading. अब जब उसने वहाँ जाके देखा कि वहाँ काउ उसके उसमें नहीं बल्कि उसके जो नेबर है उसके खेत में जा करके डहेलिया को खा रही थी, तो गुस्से में जो है वो अंदर गया, उसने उसको मारा. लेकिन डेविड ने क्या करा, डेविड चुपचाप वापस आया और बैठ करके अपनी बुक को पढ़ने लगा. आफ्टर ऑल ही थॉट टू हिमसेल्फ, इट्स नॉट माई बिजनेस इफ अ काउ गेट्स एट हिज फ्लावर्स, इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ नाउ, देयर इज दैट प्राइस ऑफ 20 पाउंड्स टू थिंक ऑफ. अब उसने क्या कहा कि अगर काव पड़ोसी के उसमें गई है तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये उसका बिजनेस है. आखिर 20 पाउंड्स प्राइस की बात है, अगर उसका नुकसान होता है तो उसमें मैं क्या करूँ. द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज वाइफ वॉज अप बिफोर हिम, शी सून रश्ड बैक अप स्टेयर्स विद न्यूज विच मेड डेविड लीप आउट ऑफ हिज बेड. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी वाइफ गई उसके पास न्यूज़ लेके, तो उस न्यूज़ को सुन करके डेविड जो है अपने बेड से उछल करके बाहर आ गया. योर फ्लावर्स, शी एक्सक्लेम्ड, देयर इज नथिंग लेफ्ट बट अ फ्यू स्टॉक्स, देयर आर द हूफ प्रिंट ऑफ अ काउ ऑल ओवर द गार्डन.
यू वुड बेटर कम डाउन एंड हैव. अब उसने क्या कहा कि तुम्हारे फूलों को जो है नुकसान हो गया है, और वहां पर किसके पैरों के निशान है, काऊ के. बट डाई वॉज ऑलरेडी पुशिंग पास्ट हिज वाइफ स्टिल क्लैड इन हिज पायजामा. ही रेस्ड आउट इन टू हिज गार्डन. अब अपने गार्डन की तरफ उसने रेस लगा दी. काउज ही हिस्ट स्पिटफुली एज ही गेज्ड एट द रिमेन्स ऑफ अ बेड ऑफ फ्लावर्स. गेज करना, घूरना, एक तक लगा करके देखना. जब उसने अपनी जो फूलों की क्यारी थी उसको देखा तो बड़ा गुस्सा उसको आया और वो उसको घूर रहा था. आई नो हाउ द काउ गॉट इन हेयर. ही पॉज्ड टू ग्लेयर एट द इनऑफेंसिव हाउस ऑफ हिज नेबर. आई नो ही रिपीटेड. अब उसने अपने नेबर के घर को देखा, उसको पता था. उसने क्या कहा कि मुझे पता है ये गाय यहाँ किसने भेजी है. ही रिटर्न टू हिज हाउस एंड वॉक्ड पास्ट हिज एस्टोनिश्ड वाइफ मम्बलिंग अबाउट हिज ट्रस्टिंग नेचर एंड द ट्रेचरी ऑफ मैनकाइंड. ट्रेचरी मीन्स जो धोखेबाजी है, जो मानवता, जो ह्यूमन बींग ट्रेचरस होता है, धोखेबाज होता है, उसके बारे में उसने उसको बताया. पुट नॉट दाई ट्रस्ट इन मैन, ही सेड डार्कली एज ही टर्न टू गो अप स्टेयर्स टू ड्रेस. काउज बा. अब जब वो घर गया तो उसने अपनी वाइफ को क्या बताया कि जो ह्यूमन बींग है वो कितना डेंजरस होता है, कितना धोखेबाज होता है, उस पर विश्वास मत करो. क्योंकि ये जो नुकसान काऊ का उसको लगा वो क्या था, उसको ये लगा कि शायद उसके दोस्त ने उसको जबरदस्ती वहाँ भेजा है. एज फार एज मिसेस जोन्स वॉज कंसर्नड द इंसिडेंट फिनिश्ड देयर. मोर फ्लेगमेटिक देन हर हस्बैंड शी डिस्कस्ड द मैटर विद मिसेस स्मिथ एंड द पेयर ऑफ देम readily agreed that men were sometimes difficult to understand. अब दोनों जब वाइफ ने आपस में डिस्कस किया तो वो समझ गए कि जो ह्यूमन बींग में जो मैन है वो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो होते ही ऐसे जिद्दी हैं. यू नो वॉट इट इज़ माई डियर, कंप्लेंट मिसेस स्मिथ. वन डे वेन हर हजबेंड वॉज आउट ऑफ हियरिंग, सम मैन आर हार्डली ह्यूमन. दे थिंक मोर ऑफ देयर गार्डन्स than of their wives. Silly old fools, she exclaimed a little rashly. अब क्या उसको अपने हस्बैंड के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जो मैन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत हार्श होते हैं, बहुत फुलिश होते हैं, और अपनी वाइफ के बारे में वो सोचते भी नहीं हैं. मिसेस जोन्स ग्लैंस्ड ओवर हर शोल्डर रिलक्टेंट टू कमिट हर सेल्फ टू पब्लिकली. यस शी एग्रीड एट लास्ट. आई नो एग्जैक्टली वट यू मीन. अब वो जो है पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरीके से हाँ कर दिया. बट इन द मेल वर्ल्ड अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉज एग्जिस्टेड. डाई जोन्स स्ट्रक बैक और सो ही थॉट टू नाइट्स लेटर क्रीपिंग आउट ऑफ हिज गार्डन. बट ही केयरफुली पिक्ड अप अ लार्ज टिन लेबल्ड वीट किलर. टेकिंग एन एम्प्टी टिन विद हिम एज वेल He crossed his neighbor's garden and entered the hut in which John Smith kept his tools and equipments. अब उसने क्या करा, वीट किलर को लेकर के जो जॉन स्मिथ ने अपने घर में जो टूल्स और इक्विपमेंट्स रखे हुए थे उनको लेने के लिए वो चला गया. This is the one, he thought to himself as he shone his torch on a large tin neatly labeled fertilizers. Swiftly he emptied the fertilizer into the empty tin. अब उसने क्या करा, जब उसने फर्टिलाइजर उठाया तो उसको लगा शायद यही है, तो जो खाली टिन था उसमें उसने उसको डाल दिया. देन पोर्ड हिज वीट किलर इन टू द टिन मार्क्ड फर्टिलाइजर. द टू पाउडर वर सिमिलर इन कलर दैट शुड इम्प्रूव हिज प्लांट्स, ही चुकल्ड टू हिमसेल्फ. अब उसने क्या करा कि फर्टिलाइजर के बदले उसने उसमें क्या डाल दिया था, वीट किलर को डाल दिया था. अब दोनों पाउडर लगभग सेम दिखाई दे रहे थे. And the plan would have worked well except for a minor mischance. The next day, Mrs. Jones thought she might win greater favor with her husband if she showed more interest in this hobby. Unable to find any fertilizers in their own garden hut, she persuaded Mrs. Smith to lend her some. During the next 2 days, a mysterious disease wiped out most of her husband's vegetables. Just when they were looking most promising.
Mrs. Jones became oddly reticent about gardening. अब क्या हुआ कि शायद उसका प्लान काम कर जाता, लेकिन कुछ मिसचीफ, माइनर सी मिसचीफ हो गया. नेक्स्ट डे जो मिसेस जोन थी, उन्होंने ये सोचा कि शायद अगर वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएं खेती में, तो अपने हस्बैंड का फेवर उनको मिल जाएगा. तो जब वो फर्टिलाइज़र लेने के लिए गई, तो उनको वहाँ नहीं मिला. अब वो मिसेस स्मिथ के पास जो है लेने के लिए चली गई. ड्यूरिंग नेक्स्ट टू डेज जो प्लांट उसने वहाँ पे ग्रो किए थे और बहुत अच्छे वो हो गए थे, लगभग वो सारे के सारे ख़त्म हो गए. अब मिसेस जोन जो थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी उस चीज़ के लिए. उनको नहीं पता था कि ये सब होने वाला था. आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, डाई रैप्ड टू हिमसेल्फ एज ही वॉश्ड हिज प्राइस क्रॉप ऑफ पीस सफर अ लिंगरिंग डेथ, बट इट मस्ट बी हिम. क्राफ्टी, कनिंग, सेल्फिश, डिस्पिकेबल, आई लोथ जेलस मैन. अब वो उसको भला बुरा कहने लगा. उसको क्या लगा कि ये जो नुकसान हुआ है, जो ये अच्छी फसल खराब हुई है, ये उसकी ही वजह से हुई है. अब वो उससे उसको जेलस मैन कहने लगा. फॉर द नेक्स्ट वीक डाई हार्डली स्लेप्ट अ विंक. ही शोड अ सडन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड सैट फॉर आवर्स एट हिज बेडरूम विंडो, गेजिंग बिटरली आउट अक्रॉस हिज गार्डन. अब नेक्स्ट वीक में जो है वो सो नहीं पाया. उसने अपना सडन इंटरेस्ट किस में दिखाया, एस्ट्रोनॉमी में. Now, if I see him so much as put his foot on the grass, he thought. But he saw nothing beyond a stray cat, which he noted with grim satisfaction, dug up a few of his neighbor's seedlings. It was while he was watching this that he had an idea with characteristic impatience. He longed to put it into practice as soon as possible. अब उसने क्या सोचा कि इसको जितना जल्दी जितना पॉसिबल हो सकता है उसको वो प्रैक्टिस में ले आए और उसको करना शुरू करेगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल एज ही सेड. केयरफुली ही गैदर्ड एज मैनी यंग वीड्स एज ही कुड गेट इन टू अ लार्ज पेपर बैग. वीड किसको कहते हैं? वीड होती हैं जो अनवॉन्टेड ग्रास होती हैं, जो खेती के लिए नुकसानदायक होती हैं. तो उसने फटाफट उनको कलेक्ट करके एक लार्ज पेपर बैग में रख दिया. द फॉलोइंग नाइट ही पुल्ड आउट हिज नेबर्स सीडलिंग्स एंड प्लांटेड द वीड्स इन देयर प्लेस. उसने क्या करा, जितने भी बीज थे वो निकाल दिए और उनके बदले वीड्स वहाँ पर प्लांट कर दी. द सबटिलिटी ऑफ द स्कीम वार्म्ड हिज हार्ट, बट हिज जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड. टू डेज लेटर ही फाउंड देम थ्रोन ऑन टू हिज ओन लॉन along with a sundry items of household refuse. It was the smell which was first made him aware of the counter attack. Truly, the war was now declared. अब क्या हुआ, जो उसकी खुशी थी कि उसने उसके बीज निकाल दिए हैं और वीड्स वहाँ प्लांट कर दिए हैं, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि बड़ी जल्दी उसने जो है उन सबको अपने ही खेत में पाया और उनके साथ साथ जो है और भी जो बेकार की चीज़ें थी, जो वेस्ट मटेरियल था, वो भी उसको अपने उस खेत में नज़र आया. अब उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. अब उसकी वजह से जो है अब झगड़ा पक्का था. जॉन स्मिथ गेव अप हिज प्रैक्टिस ऑफ किलिंग स्नेल्स, डिक्लेयरिंग ऑफ हिज वाइफ दैट इट वॉज क्रूअल एंड वेस्टफुल. Instead, he encouraged them to migrate to his neighbor's garden and help them on their way by surreptitiously. अब उसने क्या करा कि उसने ये सोचा कि वो उस सबको अपने नेबर के गार्डन में डाल देगा. Now, dropping them over the fence, David retaliated by setting a pair of pet rabbits loose on his neighbor's young lettuce. Unfortunately, the rabbits were never seen again. अब उसने क्या करा, जो फेंस के ऊपर से जो है दो रैबिट्स वहाँ डाल दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दोबारा रैबिट वहाँ नज़र नहीं आए. Beyond a secret amusement at the antiques of their husband, the two women were unaffected by the fluctuating fortunes of the battle. They reported to each other the events of the previous day or night, speaking of their husband as mothers might speak of two rather naughty children. अब दोनों हस्बैंड्स के बीच में जो कुछ भी हो रहा था उससे वाइफ्स जो हैं अनअफेक्टेड थी.
और दोनों इस तरह से आपस में एक दूसरे की कंप्लेन करती थी जैसे कि नॉटी बच्चों की मदर कंप्लेन किया करती है। दे विल गेट टायर्ड ऑफ इट यू सी, मिसेस स्मिथ अश्योर्ड हर फ्रेंड। एंड द फनी थिंग इज दैट नाइदर ऑफ देम हैज द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ विनिंग द प्राइज नाउ, लाफ्ड मिसेस जून। देयर प्रीशियस गार्डन्स आर बिगनिंग टू लुक लाइक रबिश डंप, परहैप्स दिस विल टीच देम अ लेसन। क्या कहा उन्होंने कि अब दोनों में से शायद प्राइस किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के ही जो प्रीशियस गार्डन थे वो रबिश डंप की तरह से दिखाई दे रहे हैं, अब उनको सबक मिलेगा। मिसेस जोन्स स्पोक प्रोफेटिकली, द क्लाइमेक्स वॉज नियर एट हैंड। अ मेल वॉइस टेलीफोन्ड अ बिल्डर एंड आस्क्ड टू हैव अ लॉरी लोड ऑफ सैंड डिलीवर्ड। यस दैट्स राइट, सेड द वॉइस विथ पैशनेट इंटेंसिटी। 14 Melrose Avenue. It must be at night. I don't mind the extra cost. Just tip it over the hedge at the front. अब मिसेस जोन ने क्या कहा कि उन्होंने बात करते हुए सुन लिया था, अब क्लाइमेक्स पर है जो भी बात है, उन्होंने जो है टेलीफोन पर सुन लिया था कि बिल्डर जो है एक लॉरी मंगवा रहा था सैंड से भरी हुई, और उसने क्या कहा कि पैसा कितना भी हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तुम्हें जो है हेज के ऊपर डालनी है। When John Smith saw his small front garden a foot deep in builder's sand, he nearly had a stroke. Summoning up his last reserve of ingenuity, he hired a man to plow up his neighbor's front garden while he was out shopping with his wife. अब उसने क्या करा, जो अपनी वाइफ के साथ वो शॉपिंग पे गया हुआ था, तो उस समय उसने जो फ्रंट गार्डन था उसको पूरा जो है मैन हायर करे और उसको पूरा खुदवा दिया। एंड इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट हॉस्टिलिटीज एब्रप्टली सीज्ड। द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू द चेयरमैन सन इन लॉ। द डे आफ्टर दिस वॉज अनाउंस्ड, मिसेज स्मिथ एंड जॉन्स रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द क्लर्क टू द काउंसिल। इट वॉज कोर्टियस बट टू द पॉइंट, देयर गार्डन इट अपीयर्ड वर unsightly neglected and in danger of becoming a public nuisance. There had been complaints from unspecific people in the neighborhood. They were letting down the tone of the whole village. It is hoped, the letter concluded, that something can be done to remedy a position which all civic minded people would deprecate. The chairman has instructed me to enclose for your close perusal and retention a copy of a new booklet, Gardening for Amateurs. He hopes that it will be of help. और यहाँ पर आकर जो है दोनों की जो दुश्मनी थी वो रुक गई। जो प्राइस था वो चेयरमैन के सन इन लॉ को दिया गया, और उसके बाद जो है अनाउंसमेंट भी मिसेस स्मिथ एंड जॉन्स ने जो है लेटर रिसीव किया। उनको क्या बताया गया कि जो उनकी लैंड है वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, जो उनके नेबर्स हैं उनको उससे प्रॉब्लम हो रही है, और जो सिविक पीपल के लिए जो है वो नुकसानदायक है। जो चेयरमैन है उसने इंस्ट्रक्ट किया है मुझे कि इसको वो क्लोज करे, और उसके बाद जो है एक कॉपी दी है न्यू बुकलेट की जिसमें क्या लिखा है, गार्डनिंग ऑफ एमेट्योर्स, और उससे उनको पूरी उम्मीद थी कि ये उनको हेल्प करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।